नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 8, जिसका नाम है संस्कृतियों का टकराव। भाग 3 में आज हम अमेरिका महाद्वीप की, अमेरिका में कंप्लीट कर रहा हूँ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इन दोनों महाद्वीपों की जो महान सभ्यताएं हैं उनमें से जो है आज हम दो पढ़ने जा रहे हैं। पहली है अरावाक सभ्यता और दूसरा है एंजटेक सभ्यता। तो ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं हम अरावाक सभ्यता से। अरावाक सभ्यता, अगर आप मानचित्र देखें समझ लेंगे कि अरावाक सभ्यता कहाँ फली फुली। हम बात करें बहामा द्वीप समूह, और आज की डेट में ये जो बहामा द्वीप समूह में सबसे बड़ा अगर देश आज कहें तो क्यूबा, जो जिस प्रकार से श्रीलंका भारतवर्ष के साथ आता है वैसे ही अमेरिका के निचली तरफ को क्यूबा पड़ता है सबसे। तो ये बृहत एंटीलीज उस समय कहा जाता था, और ये आता है जो स्मॉल एंटीलीज थे, छोटे छोटे द्वीप थे, इसमें बहामा भी शामिल है। तो ये सारे जो है इस क्षेत्र में ये सभ्यता जो फली फुली। कहा जाता है कि जो कैरिबियंस नाम का जो एक खूंखार कबीला था, उन्होंने इन लोगों को जो दक्षिण की तरफ जो है भगा दिया था, इस तरफ को जो भगा दिया था, कोई यहाँ रहेगा कोई इधर। तो इस प्रकार से अधिकतर जो बहामा छोटे छोटे द्वीप हैं वहाँ पर ये लोग जो है वो रहते थे। इसी अरावाक सभ्यता की बात हम जो कर रहे हैं, ये होगी इनकी स्थिति। अब आता है इनकी विशेषताएं क्या थी, ये लोग कैसे थे। देखिए, इससे पहले मैं जरूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहली लाइन में ही लिखा गया है कि शांतिप्रिय लोग लड़ने की अपेक्षा बातचीत से समस्या का समाधान। ऐसे लोग थे जो कभी लड़े ही नहीं थे, उन्हें मालूम ही नहीं था कि लड़ा कैसे जाता है, तो ये हमेशा बातचीत से ही अपना हर समस्या का समाधान कर लेते थे। कितनी अच्छी बात है। ये बड़े दुख की बात है कि पूरे संसार में जहाँ भी आप देख लो, जहाँ जहाँ भी शांतिप्रिय लोग रहने वाले थे, उनका अंजाम बहुत खतरनाक हुआ। बाहर से लोग आए और उनको उन्होंने गुलाम बना के रख दिया, और उनकी संस्कृति को तहस नहस करके रख दिया। अगर हम अपने ही देश से थोड़ा सा पड़ोसी देश की तरफ बढ़ते हैं और तिब्बत की बात करते हैं, देखिए तिब्बत में हाल ही में कुछ वर्षों पहले की बात है, दशकों वर्ष पहले की बात करते हैं, तो तिब्बत एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन तिब्बत के जो लोग थे, जिनके जो प्रमुख दलाई लामा थे, धार्मिक गुरु थे, वो बड़े शांति से रहने वाले व्यक्ति थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना ने उनके ऊपर जो है आक्रमण किया, और इस प्रकार से पूरी धरती के ऊपर कब्जा कर लिया, और आज भी ये समस्या नहीं सुलझ पाई है, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। अगर उनके पास ताकत होती, लड़ने वाला उनका जो है नेचर होता, प्रकृति होती, तो शायद वो अपने आप को आज भी वहाँ पर स्थापित कर पाते, तो ऐसा नहीं हो पाया। वजह क्या है कि शांतिप्रिय, तो अरावाक लोग भी कैसे शांतिप्रिय लोग, बुजुर्गों के अधीन संगठित। कोई राजा नहीं होता था, बुजुर्ग जो किसी भी कबीले का जो बुजुर्ग होता था वो उसके अधीन, उसकी बातों को मानने वाले होते थे। ना कोई राजा था और ना ही उनके पास कोई सेना थी। जब लड़ना ही नहीं तो सेना का ही की आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार से लोग थे। स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे, स्त्रियों की इज्जत होती थी, बहुविवाह प्रथा प्रचलित, मतलब एक से ज़्यादा शादियाँ करने का रिवाज उस समय था। ये हम बात करें अरावाक, याद रखना हर एक सभ्यता को आपको उनकी विशेषताओं के अनुसार जो है याद रखना पड़ेगा। एक कुशल नौका निर्माता, क्योंकि बहामा द्वीप छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो बना है, तो एक द्वीप से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता होता था वो क्या होती, नौका। तो नौका इसमें वो बहुत कुशल थे बनाने में, जो है नौका में बहुत कुशल थे। मछलियां पकड़ना, पशुओं का शिकार करना, या फिर तीर कमान चलाना, ये उनके मुख्य शौक थे, क्योंकि उनका जो भोजन था अधिकतर वो मछलियां पकड़ने से, या पशुओं का शिकार करने से, या तीर कमान चलाने से जो है वो संबंधित था, इसलिए इन चीज़ों में बहुत ही दक्ष हुआ करते थे। फिर छठा आता है, उनके जो मुख्य फसलें थी वो थी मक्का, मीठे आलू, कंदमूल और कसावा, ये उनकी मुख्य जो फसलें थी। जीवन में सोना, जिसकी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान रखता है सोना, हर कोई सोने के पीछे, जितनी भी लड़ाइयाँ आज तक लड़ी गई हैं कहीं ना कहीं धन के नाम पर जो ज़्यादा लड़ी गई हैं, तो सोना ये उस समय 14वीं-15वीं शताब्दी में बहुत जो है महत्व रखता था। तो उनके जीवन में सोना कोई महत्व नहीं रखता था, ये बिल्कुल ये कहेंगे कि इन चीज़ों से बिल्कुल दूर के ये लोग थे। केवल जैसे कांच, जब इन्होंने देखा जो दूसरे महाद्वीप से, यूरोप से जब इनके पास जाते हैं, तो उनके पास कांच की जो माला थी या कोई और वस्तु थी, उसको देखकर बहुत जो अचंभित हुआ, उसे पसंद भी करते, मतलब वो सोना दे देते थे उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। बुनाई की कला में बहुत निपुण थे, और इनका जो बनाया गया झूला, जिसको हैमक कहा जाता है, वो आज भी जब देखते हैं तो अचंभित होते हैं कि ऐसा कार्य वो कर सकते थे। वे जीवनवादी थे, उनका विश्वास था कि पत्थर एक पेड़ों में भी जीवन होता, पत्थर और पेड़ों में भी जीवन होता, जीवनवादी, हर एक चीज़ में जीवन देखना। देखिए, जो किसी को मार नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, उनका जीवन सोच सकते हैं, उनका कितना ईश्वर के प्रति जो है जो झुकाव था, या हर वस्तु का के प्रति जो उनका जो झुकाव था, उसका आदर करना वो कितना अहम था। तो पत्थर में भी वो जीवन मानते थे, उसको भी मारना, पैर लात से लगाना, इस प्रकार की चीज़ें उनके जीवन में नहीं थी। पेड़ों में भी वो जीवन समझते थे, तो इस प्रकार से जीवनवादी लोग थे। और वे जादू टोनों में विश्वास रखते थे, ठीक हमारे पूर्वजों की तरह ही जो जादू टोनों में विश्वास रखते। तो ये हो गया अरावाक सभ्यता को जानने के लिए, काफ़ी आप पिक्चर बना सकते हैं दिमाग में, और उनकी विशेषताओं को उस अनुसार जो है वो रख सकते हैं, तो आप लंबे समय तक उसको जहन में याद करेंगे। अब आता है एंजटेक सभ्यता, दूसरी जो सभ्यता, महत्वपूर्ण सभ्यता। अगर आप देखेंगे, ये उत्तरी अमेरिका का नीचे वाला जो देश है, जिसको मैक्सिको कहा जाता है, ये मैक्सिको में ही ये सभ्यता फली फुली, जो हरे वाला जो हिस्सा है ये एंजटेक सभ्यता है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, एक यायावर और युद्धप्रिय कबीला। देखिए, इनका बिल्कुल इस सभ्यता से, जो हमने अभी बात की अरावाक सभ्यता से, इनका जो नेचर था बिल्कुल अलग था। कैसे थे ये? युद्धप्रिय।
युद्ध लड़ने वाले थे और कविलाई व्यवस्था थी, और लोक गाथा के अनुसार देवता ने भविष्यवाणी की थी, इनके जो देवता होते थे कविलों के अपने देवता, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये लोग उस जगह पर स्थापित होंगे, वहाँ पर ये अपना रहन बसेरा करेंगे, स्थापित होंगे जहाँ पर यदि उनको कोई एक बाज मिल जाए जो सांप को अपनी चोंच से जो है वो मार रहा हो, उसे खा रहा हो। तो ऐसा ही दृश्य उन्होंने मैक्सिको के मध्यवर्ती घाटी में देखा और यहीं पर आकर वो बस गए 12वीं शताब्दी में। और मैक्सिको का जो नाम था वो एंजटेको के प्रमुख देवता मैक्सली, याद रखना है, एंजटेको का एक प्रमुख देवता था जिसका नाम था मैक्सली, इसी मैक्सली के नाम पर जो है इस जगह का नाम पड़ा मैक्सिको, जो आज भी वैसा ही है। ये हुई एंजटेक सभ्यता। आज का मैक्सिको के बारे में पढ़ लेते हैं, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये जरूरी है, उस जब भी सभ्यता की बात करो तो उसको इस तरह से समझो कि क्या ऐसा वहां पर हमारी सभ्यता क्या डिफरेंट था, क्या भिन्न था। 1519 में जब स्पेन ने मैक्सिको पर अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद यहाँ पर स्पेन और एंजटेक सभ्यताओं के मेल में नई संस्कृति ने जन्म लिया, तो स्पेन के राजाओं ने करीब 300 साल तक यहाँ अपना दबदबा जो है वो कायम रखा। लगभग जैसे ब्रिटिश लोग भारतवर्ष में आए तो 300 साल तक लगभग जो यहाँ पर कब्जा जमाए रखा, वैसे ही उन देशों के ऊपर भी इन्होंने कब्जा जमाए रखा। और इस प्रकार से वहाँ की जो संस्कृति के मामले में मैक्सियन जो थे वो हमेशा आगे रहे, लेकिन वहाँ की जो संस्कृति थी वहाँ के लोगों की वो संस्कृति बरकरार रही। एंजटेक सादी जो आदिवासी जिन्हें नाहुल्त भाषा जो है वो बोलते थे मोटे तौर पर, आज अगर देखा जाए तो उसे 15 लाख लोग, अधिकतर तो नहीं लेकिन आज भी उस सभ्यता के लोगों की जो भाषा जिसे नाहुल्त कहा जाता है वो 15 लाख लोग आज भी बोलते हैं लगभग। और इस जबान में एक खास तरह की जो मिठास और अपनापन होता है, जो नाहुआ के कुछ समुदायों में एक चलन और भी है कि किसी से निगाह मिलाकर बात नहीं करते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि आपको कॉन्फिडेंट होकर निगाहें से निगाहों मिलाकर बात करनी चाहिए, लेकिन सोचिए इन समुदाय में जो हमेशा से किसी एक नियमावली में रहे हो तो वो मानते हैं कि किसी के साथ आंख में आंख डालकर जो है, बेशक आज कहते हैं कि आत्मविश्वास है लेकिन वो इस चीज़ को मानते थे कि ये गरूर है, उसे गरूर है, इसलिए जो है ये निहायत ही अपने अभद्र व्यवहार इसको मानते थे और इस पर कहते भद्रता का ये शो करने के लिए क्या करते थे, कभी भी नजरें मिलाकर बात नहीं करते थे। ये आज के मैक्सियंस की बात, आज भी उसी तहजीब के साथ ये रहते हैं जो वहाँ के नाहुत भाषा के लोग, जो वो मैक्सियंस लोग वहाँ के पहले के हैं। अब बात करते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं एक एक करके। एंजटेक साम्राज्य, एंजटेक साम्राज्य की सीमाएं हैं वो 200,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और एंजटेक साम्राज्य के 34 प्रांत थे, याद रखना उस समय 34 प्रांत जो है हुआ करते थे। एंजटेको का जो शासन था वो शासक जो थे वो बहुत ही निर्दयी था और अपने अधीन आने वाले नए लोगों पर भारी कर लगाता था और बड़ी संख्या में लोगों की बलियां दी जाती थी। जब कभी भी लड़ाई उलड़ता था, नया जो भी जगह के ऊपर जो है वो उसको अपने साम्राज्य में मिलाता था, उस जगह के बहुत सारे लोगों को फांसी पर लटका दिया, फांसी पर नहीं बलियां जो दी जाती थी, भगवान को बलियां दी जाती थी अपने देवता के आगे, और उन पर अधिक कर जो है वो लगाया जाता, अधिक कर वसूला जाता था। तो इस प्रकार से 15वीं शताब्दी में एंजटेक साम्राज्य की शक्ति अपने शिखर पर थी, 15वीं शताब्दी में ये इनकी जो शक्ति थी वो सबसे सर्वोच्च शक्ति जो है वो हुआ करती थी, सम्राट सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। अब आता है सम्राट की स्थिति, इसे निरंकुश शक्तियाँ प्राप्त थी। निरंकुश का मतलब हुआ कि वो जो भी बोलता था मुँह से वो सारा का सारा कानूनी ही होता, जो उसने ले लिया निर्णय वो अंतिम होता था इस प्रकार से। और फिर एक और था कि पृथ्वी पर उसे सूर्य देवता का प्रतिनिधि, देखिए इसको बड़ा याद रखना है आपने कि सूर्य देवता का प्रतिनिधि उसे समझा जाता था धरती पर, सूर्य देवता सबसे प्रमुख जो देवता थे उनके सूर्य देवता हुआ करते थे। तो एंजटेक जो लोग थे वो कहते थे कि ये सूर्य देवता के प्रतिनिधि है, इसलिए जब कभी वो शहर में घूमने के लिए निकलते थे तो फूलों की बारिश जो है देवता की तरह उनको पूजा जाता था, और राजा का चुनाव कविले की सभा द्वारा किया जाता, जो कविलाई सभा थी, बड़े लोग होते थे वही राजा को चुनते थे। ये हो गया स्थिति। अब आता है कला, वे महान कला प्रेमी थे। पांचवें जो सम्राट जिनका नाम है मोंटेजुमा प्रथम, याद रखना पांचवें सम्राट मोंटेजुमा प्रथम, उन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा था टेनोक्टिट्लान। इस राजधानी इतनी खूबसूरत थी, ये कहता है मैक्सिको की जो झील है वहाँ के मध्य भाग में ये बनी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो कहते हैं 16वीं शताब्दी की बात करें, 16वीं शताब्दी में इसकी जो गणना थी वो अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में की जाती थी, जैसे कि आज का जो बड़ा शहर है न्यूयॉर्क है, तो ऐसे ही 16वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ा शहर था वो ये टेनोक्टिट्लान जो राजधानी थी वो हुआ करती थी मैक्सिको की। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा आ गया। ओके, अब चौथा श्रेणियाँ, जो समाज था वो श्रेणीबद्ध समाज था, श्रेणियों में बंटा हुआ समाज था। पहली जो श्रेणी आती थी वो अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग में कौन से शामिल हुए, शाही परिवार के सदस्य, पुरोहित, सैनिक अधिकारी और धनी व्यापारी जो थे वो अभिजात वर्ग में आ जाते थे, और वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, कोई कमी नहीं थी, महलों में रहने वाले लोग थे। मध्य श्रेणी में जो प्रतिभाशाली शिल्पकारी थे या फिर चिकित्सक थे या जो अध्यापक पढ़ाने वाले होते थे वो मध्य श्रेणी में आते थे। और निम्न श्रेणी में कौन आते थे, जो दास होते थे, जो कार्य करते थे, इन दो तरह के लोगों का अभिजात और मध्यम श्रेणी के लोगों के घरों में दास बन के रहते थे, उनके कार्य करते थे। और ये दास कौन होते थे, जो अधिकतर युद्धों में हार जाते थे सैनिक, दूसरी तरफ से उनको ज़्यादा कर या वहाँ के लोगों को जो दास बनाया जाता था, तो ये श्रेणीबद्ध समाज।
अब पढ़ते हैं आगे, और वह व्यवसाय, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? विभिन्न व्यवसाय, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि था। जो मैक्सिको झील पर कृत्रिम टापू जो है, याद रखना, मैक्सिको जो झील थी उसके ऊपर कृत्रिम टापू बनाए जाते थे और उसके ऊपर फसल जो उगाई जाती थी, और इन्हें कहा जाता था चिनापा। चिनामा आज भी वहाँ पर जो मनाए जाते हैं, इसी तरह से फसल वहाँ पर उगाई जाती है। मक्का और फलियाँ, कद्दू, कसावा, आलू, ये उनकी मुख्य फसलें थी। और भूमि पर स्वामित्व, याद रखना, भूमि पर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं होता था, बल्कि कुल का होता था, पूरे के पूरा जो कबीला होता था उसका जो स्वामित्व होता था। ये मिलकर खेती करते थे, कितनी बड़ी बात थी। तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा पर विशेष बल जो है, अभिजात के जो बच्चे होते थे वो स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, और उनका जो स्कूल होता है उन्हें कहा जाता था काल्मेकाक। तो काल में मेकाक में केवल वही लोग होते के बच्चे पढ़ते सकते थे जो अभिजात वर्ग के थे, लेकिन जो गरीब बच्चे थे, छोटे तबके के जो लोग थे, या जिन्हें हम कहते कि आम लोगों के जो बच्चे होते थे, वो टेपोकलिक नाम का, उनको कहा जाता टेपोकलिक, ये छोटे लोगों के लिए जो स्कूल होते थे इस प्रकार से। लेकिन उनकी शिक्षा भी अलग अलग तरह की होती थी। जो बड़े जो घर के बच्चे होते थे वो योद्धा और पुरोहित बनने के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे, और जो छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे, जो आम लोग थे, उनके जो बच्चों के लिए सैनिक, कृषि और व्यवसाय करना, ये सिखाया जाता था। और लड़कियों को घरेलू कार्य और नैतिक शिक्षा जो है वो दी जाती थी। शिक्षा के बाद बात है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। शिक्षा का अधिकार जो है, या पुरोहित बनना, शिक्षा का अधिकार उन्हें प्राप्त था, वो कोई भी शिक्षा ले सकती थी। पुरोहित बनना या दुकानदारी का काम करना, ये सारे कार्य जो है वो कर सकती थी। विवाह की उम्र जो 16 वर्ष, मतलब अच्छे, हमारे यहाँ पर बाल विवाह की प्रथा उस समय प्रचलित थी, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ 16 वर्ष तक इंतजार किया जाता था, तो लोग जो है शिक्षित थे। लड़कियों को दहेज देने की प्रथा प्रचलित, लड़कियों को उल्टा दहेज दिया जाता, इस प्रकार की जो प्रथा उस समय शामिल थी। फिर आता है आठवां, धर्म। धर्म जीवन का मुख्य आधार था। राजधानी में ही 5000 पुरोहित थे। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुरोहित कितने इंपॉर्टेंट थे उनकी जिंदगी में। तो धर्म से संबंधित अनेक देवी देवताओं की पूजा, उनका जो पंचांग होता था वो 18 माह का होता था, पूरा का पूरा साल जो 18 माह में विभाजित था, और प्रत्येक माह किसी न किसी देवता के नाम पर समर्पित होता था, किसी की देवता के नाम पर, और उस माह में उस देवता की पूजा आराधना की जाती थी। सूर्य देवता उनका प्रमुख देवता था, और किसी का जो पाप करता है उसका हिसाब रखना और उसको दंड देना, ये सूर्य देवता का काम होता था। इसके पश्चात युद्ध देवता भी होते थे, जिसमें उनके ऊपर डिपेंड करता था कि हारना है जीतना है, ये युद्ध देवता का निर्भर करता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे युद्ध किए जाते थे, तो इसलिए युद्ध देवता का स्थान जो दूसरा आता था। अन्न देवी, ये सभी देवी देवताओं की जननी जो है वो कही जाती है, इनका जन्म जो है वो इसी अन्न देवी से हुआ था, चाहे वो सूर्य देवता थे चाहे दूसरे देवता। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में नर बलियां उस समय दी जाती थी। अगर देखेंगे सूर्य देवता उनका प्रमुख देवता था, तो इस प्रकार से किसी को मारना, बलि देना, ये जो है अच्छा मानते थे। तो इस प्रकार से ये माना जाता था कि जो भी जिसकी बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी, उसका माना जाता है को सीधा ही स्वर्ग चला जाता है। तो इस प्रकार से मृत्यु के पश्चात जीवन में तथा अंधविश्वासों में भी उनका विश्वास था। यह हुआ उनका धर्म के बारे में। फिर पतन, इस सभ्यता का पतन के बारे में पढ़ लेते हैं कि 1519 ईस्वी में हॉर्नेट क्वार्टर्स, जिसके बारे में हम बात पढ़ चुके हैं, ये एंजिटेक साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, और इसके पश्चात लगभग 2 वर्षों में ही 21 में जाकर जो है इस सभ्यता को पूरी तरह से रौंद डालते हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा जो शासित जो प्रदेश हैं उनके ऊपर वो अधिकार जमा लेते हैं। कारण क्या क्या कारण, इसके पीछे कारण क्या रहा, देखिए, जैसा राजा होता है कैसे वैसे ही प्रजा होती, बहुत डिपेंड करता है राजा कैसा है या वहाँ की प्रजा कैसी है। पहला जो इसके पतन का कारण क्या था कि आम लोगों में शासकों के प्रति रोष की भावना थी। राजा जो है, जो आम लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार नहीं था, इसलिए जो है आम लोग जो है अपने शासक का जो है जो प्रति भावनात्मक जो झुकाव था वो नहीं था, उसके साथ नहीं थे, इसलिए भी इसका पतन हुआ। लगातार लड़ाइयों के कारण सैनिक उब चुके थे, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है वो इन राजाओं के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए की गई, और इस कारण सैनिक जो थे वो उब चुके थे। तीसरा, नवीन विजय क्षेत्रों पर एंजटेकों द्वारा घोर अत्याचार, ये हमने पढ़ा विशेषताओं में, कि जब भी किसी नव विजित क्षेत्र को प्राप्त किया जाता था वहाँ के सैनिकों को दास बना लिया जाता था, और बहुत सारे लोगों को जो है वो क्या नरबलि दे दी जाती थी। तो और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारे जो कर है वो लगा दिए जाते, ज़्यादा कर उनसे वसूल किए जाते, तो उनकी जो स्थिति थी वो बहुत बदतर हो जाती थी। तो इस प्रकार से इस स्थिति के कारण भी राजा के प्रति उनका व्यवहार सही नहीं था, वो नहीं चाहते थे राजा का कोई आगे तक जो शासन चले या हॉर्नेट क्वार्टर्स के विपरीत खड़ा जा सके, उसको यहाँ से मार भगाया जाए, ऐसा वो नहीं चाहते थे, इसलिए भी जो है उनका पतन हुआ। रोजाना बड़ी संख्या में युद्धबंदियों और एंजटेकों को बलि चढ़ाया जाता है, जिसकी बात हो चुकी थी। तो यही कारण थे कि राजा का प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार न होने के कारण जो है इन लोगों ने अपने राजा का साथ नहीं दिया या सैनिकों ने उनका साथ नहीं, और इस प्रकार से बड़े आसानी से हॉर्नेट क्वार्टर्स ने जो है पूरे के पूरे एंजटेक पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से इसका पतन हुआ।
महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो है कि अरावाक सभ्यता के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक जो वर्णन कीजिए। हमने अरावाक के बारे में पढ़ा, विशेषता कि बहुत शांतिप्रिय लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, महामद्वीप समूह के आसपास वाली सभ्यता। एंजेटिक सभ्यता जो मैक्शंस में जाकर फैली फली फुली, उसकी एक एक विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ लिया। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एंजेटिक सभ्यता उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर एक एक करके पूछा जा सकता है कि एंजेटिक सभ्यता में सम्राट की स्थिति क्या थी या स्त्रियों की स्थिति क्या थी, फिर या तो पूछा जा सकता है कि पतन के कारण क्या है, दो तीन तीन नंबर के इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने ध्यान से सुना होगा, आपसे कहीं से भी पूछा जाए आप बड़े ढंग से जो है जवाब दे पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अब आगे अंतिम पेज, इंपॉर्टेंट लाइन्स आपके लिए। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते, छाँव मिली होती तो सो ही गए होते। इसमें पूरी सच्चाई है कि जिन व्यक्तियों का जीवन परेशानियों से भरा होता है वही व्यक्ति बाद में सक्सेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की कठिनाइयों को झेलने की क्षमता पाली होती है। आप भी ज़िंदगी को इसी तरह से जिए, भगवान आपको कामयाब करे। इसी आशा के साथ, आपने मुझे आज बड़े ध्यान से सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।